मतलब कहते हैं ना, अलग सा स्वाद आएगा आएगा ही आज के खाने में, क्योंकि तो एक हेल्दी मॉर्निंग के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। साथ में गुड मॉर्निंग भी हो ही जाता है, तो गुड मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। बाकी हमारी माता श्री जो है वो तो एज यूजल खाना बनाने में लगी हुई हैं, भुजिया बन रहा है आज के लिए। आज तो कि हम तैयार हो चुके हैं कॉलेज के लिए और बस इंतजार है चलेगा, फिर उसके बाद निकलेंगे कॉलेज के लिए। तो चलो इंतज़ार ही करते हैं, बाकी आएगा तो फिर चलेंगे। खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार है श्री का लेक्चर खत्म होने का, उसके बाद चलेंगे घर। अभी तो सारे बैठे हैं अपने अपने क्लास में, फाइनली अब घर के पास पहुंचने वाला हूं। मतलब साकेत तो पहुंच गया हूं और यहां से हाफ डिस्टेंस बचा हुआ है और भी चलेंगे घर। गली में आ गया और हालत ख़राब हो गई आज, इतनी गर्मी है, मतलब 38 टेम्परेचर चल रहा है अभी और हालत ख़राब हो रखी है। एक तो बैग ऊपर से गर्मी, दोनों में बैंड बजा रखी है। तो फटाफट घर पहुंचते हैं, पानी पीते हैं, फिर कुछ खाते हैं। तो फाइनली घर आ गया और घर आके पहले ठंडी ठंडी हवा लिया और उसके बाद माता श्री को बोला कुछ ठंडा सा पिला दो, तो माता श्री ने हमें लस्सी दिया है। और ये हमारी माता श्री आ गई। मम्मी ये मतलब इतनी टेस्टी हो रखी है लस्सी की, क्या ही बताऊँ। तो लस्सी पीने के बाद अब बारी थी कुछ खाने की, और खाने में हमारे पास बहुत सारे मेनू हैं, चना और आलू दाल और हमारा रायता तो है ही है, तो अभी से खाते हैं और भूख भी मिटाते हैं। वैसे गर्मी से तो काफ़ी राहत मिल चुकी है, पेट की भी राहत कर लेते हैं। फाइनली खाना खा लिया है और कुछ खाया और कुछ खाया नहीं, क्योंकि लस्सी पी लिया तो उससे पेट भर सा गया, उसमें थोड़ा बहुत ही खाया गया। और अभी तो हमारा मेल जो है रायता बूंदी का वो रह गया है, वो खाना है, वो खाएंगे अभी। बाकी माता श्री अपना एज यूजल प्रेस करने में लगी हुई हैं कपड़ों को, अब इतना पेट भरा पड़ा है कि क्या ही कर सकते हो, बट खा के तुरंत लेट सकता नहीं हूँ तो बैठा हूँ। तो फाइनली शाम से रात हो गई और सो के मैं उठ चुका था और उसके बाद फिर मैं गया पापा के ऑफिस मतलब जेल पे, और वहाँ से कुछ खाने के लिए लेके आया। और आज तो खाने में अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि जेल का खाना है तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा वो। मतलब कहते हैं ना, अलग सा स्वाद आएगा आएगा ही आज के खाने में, क्योंकि जेल का खाना है। तो ऊपर से जो वहाँ पे प्रिजनर्स होते हैं उन्होंने बनाया है खाना, तो कुछ ना कुछ टेस्ट अलग होगा ही होगा। तो रात तो हो ही चुकी है और फिर मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लैपटॉप भी ठीक नहीं, कुछ बैठ के अपना कॉलेज का ही कुछ पढ़ता, कुछ नई चीज़ें देखता। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें चैलेंज ही कर लिया जाए, तो ये मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कितने मिनट में मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता हूँ। सेकेंड में तो भूल जाओ भाई साहब, क्योंकि ये जो क्यूब है ये सेकेंड में के चक्कर में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मिनट में ट्राई करने की कोशिश की, तो दो तीन बार अटैम्प्ट किया, एक में तो 10 मिनट आया, दूसरे में 8 मिनट आया। तो एक बार और ट्राई करते हैं आप लोग के सामने, आप लोग को दिखा दो कितने टाइम में होता है। तो ये हमारा बना बनाया क्यूब है, तो पहले इसको स्क्रैम्बल तो कर लेते हैं। तो अच्छा खासा स्क्रैम्बल हो चुका है और हम हर बार जो लेयर उठाते हैं वो वाइट वाला लेयर उठाते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अभी मैं क्यों सॉल्व करके मतलब लेटा ही था, तो मेरे को थोड़े चक्कर से आने लगे, खाना पीना खाया फिर भी अनार वनार सब खाया, थोड़े चक्कर से आने लगे। तो मैंने सोचा अपना बीपी चेक करूँ, तो बीपी चेक किया तो पहले अटेम्प्ट में 137, फिर दूसरे अटेम्प्ट में 150, मतलब बीपी बढ़ ही रहा है। और तो ये भी अलग ही प्रॉब्लम है, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे मैंने बोला ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अब ये भी बढ़ रहा है, ये भी अलग अलग नई नई बीमारियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रही। मैं तो इतना हेल्थ की केयर करता हूँ फिर भी, चलो कोई ना, अब जो चल रहा है चल रहे। तो फाइनली खाना डन हो चुका है, बहुत टेस्टी खाना था और रोटी का भी टेस्ट अलग था, तो
अब खाना खा लिया, अब थोड़ी देर छत पर टहल लूँगा जिससे खाना बच जाए, फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे जो कि है एडिटिंग। उसके बाद एक कॉलेज का कोर्स उस पर ध्यान देना है, तो वो करना है, उसके बाद सो जाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, आज के ब्लॉग में कुछ खास था नहीं। कॉलेज में गए, कॉलेज में भी इतना मतलब काम ही काम था, कभी अपने सेल में बैठ के काम किया, कभी अपने कैबिन में जाके कुछ काम किया, कभी लैब में बैठ के काम किया, मतलब आज तो एकदम बिजी सा शेड्यूल था। और तो वो कम करके फिर घर आया हूँ, घर आके फिर क्या कहते हैं सोया हूँ थोड़ी देर, फिर रात के बाहर गया ही नहीं जो भी, तो नहीं हुआ। तो कल देखते हैं कल के दिन में क्या कुछ नया होता भी है या नहीं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो कर दिया करो। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साथ में गुड नाइट।